सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल जोलो इन्वेस्टिंग। मैं हूं आपका दोस्त नरोत्तम दुबे और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे LIC के IPO के बारे में। आप सभी जानते हैं IPO का क्या मतलब होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब LIC का IPO आने वाला है। सरकार, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी ने अब जो 1 फरवरी को जो बजट पेश किया था, उन्होंने कहा था कि जल्दी हम LIC का IPO भी ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सरकार की लगभग 25% स्टेक, सरकार का लगभग 25% स्टेक LIC में है और सरकार धीरे धीरे करके अपने जो हिस्सेदारी LIC में है उसको धीरे धीरे करके बेचेगी। इसी कारण से LIC का IPO नवंबर तक, इस साल के नवंबर तक आ सकता है। चलो खबर पे चलते हैं और पूरी पढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम के विनिवेश का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ विनिवेश। विनिवेश क्या होता है? दो शब्द होते हैं, एक होता है निवेश, निवेश, और ये होता है विनिवेश। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। जैसे हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में हम 1 लाख के शेयर खरीदते हैं तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट मतलब हम उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, और विनिवेश मतलब होता है उस कंपनी से पैसा निकालना। जैसे मेरे रिलायंस में 1 लाख रुपए के शेयर है तो मैं वहाँ से सेल करके अपना पैसा निकालूंगा, तो इसे विनिवेश कहते हैं। चूँकि सरकार के लगभग 25% स्टेक LIC में है, इसलिए सरकार को अभी फंड की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने अपने बजट में ऐलान किया था कि लगभग वह 2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। अब सरकार को खर्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे इस प्रकार से आएंगे कि सरकार का जो स्टेक है कंपनियों में, जैसे कि LIC है, BPCL है, एयर इंडिया में है, तो उन स्टेक्स को सरकार, उन हिस्सेदारी को सरकार बेचेगी और बेच के पैसा कलेक्ट करेगी, क्योंकि सरकार ने बजट के दौरान कोई भी नया टैक्स स्लेब नहीं बढ़ाया है, ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में हमारा कोई स्लेब बढ़ाया, ना ही कोई नया टैक्स हम पे लगाया। तो सरकार को खर्च तो करना ही है, खर्च जब करेंगे तब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग जाना खरीदेंगे तो देश की कंपनियों को लाभ होगा, देश को लाभ होगा और हमारी अर्थव्यवस्था जल्दी से GDP ग्रोथ मिले होगी। चूँकि अभी हमारी GDP माइनस में चल रही है, इसलिए सरकार ये सारे कार्य कर रही है जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी आ जाए और लोग नई नई चीज़ें खरीदें और जिससे कि हमारी GDP में सुधार हो। अगले वित्त वर्ष में LIC का IPO लाएगी सरकार, वित्त मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर, यहाँ पॉलिसी धारकों को मिल सकती है शेयरों में तरजीह, मतलब 10% जो हिस्सेदारी है उसके पॉलिसी धारक को रखी जाएगी। जो भी IPO आएगा उसका 10% शेयर इसके पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो जो भी LIC के कस्टमर हैं, पॉलिसी धारक हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 10% LIC का जो शेयर है उनके लिए आरक्षित रहेगा। तो जो भी पॉलिसी धारक हैं वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि LIC भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके सचिव ने क्या बताया है? सचिव ने बताया है, पांडे जी सचिव हैं, उन्होंने बताया है कि LIC IPO के 10% हिस्सा इसके पॉलिसी धारकों को दिया जाएगा। ओके, मतलब सरकार का क्या इरादा है? पॉलिसी धारकों को कंपनी का हिस्सेदार बनाने का इरादा है। उन्होंने ये भी कहा सरकार सेल स्टील की कंपनी है और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, इनमें भी सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है। जैसे सरकार अभी BPCL के साथ कर रही है और एयर इंडिया को बेचना चाह रही है। इसके द्वारा जो भी पैसे आएगा उस पैसा को गवर्नमेंट अपने खर्च के लिए उपयोग में लेगी। पहले ही ऐलान कर चुकी थी सरकार कि हम तरह से पैसा इकट्ठा करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी हमारी LIC है, और इस LIC का जो IPO है अक्टूबर के बाद, जो वैसे मैंने पहले ही बताया था कि अक्टूबर तक इसका आ सकता है, अक्टूबर के बाद आने की संभावना है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन चल रही है,
इस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था को नया बूस्ट देने के लिए लगभग 1,75,00,000 रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है कि भारत सरकार 1,75,00,000 रुपए जुटाएगी। इसी कारण से इस वित्तीय वर्ष में वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI को भी बेचेगी और IDBI में भी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और दो जो अन्य बैंक हैं सार्वजनिक बैंक उनको भी बेचकर सरकार अपने पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेगी और हमारी इकोनॉमी को एक नई जान देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप सबको मेरा सजेशन है कि जब भी इसका IPO आए LIC का, आपको उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, अप्लाई करना है। और यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।